وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. आज मैं आपके सामने शिर्क तक ले जाने वाली जो चीजें हैं वो बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह हम एक एक करके जिक्र करेंगे. बहुत सारी चीजें जिसमें नेक लोगों में गुलू करना, इसी तरीके से ऐसे कलिमात, ऐसे अल्फाज जिनकी वजह से आदमी शिर्क में पड़ जाता है, ऐसे ख्यालात. मिसाल के तौर पर बारिश होती है, क्या जी ये आड़ी की बारिश, ये दीपावली की बारिश, ये आम की बारिश, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला की बारिश, अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने भेजा है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया में हैं, रात में बारिश होती है, फजर के बाद कहते हैं, फजर की नमाज के बाद, कि अल्लाह ने कहा असबह मिन इबादी मुमिनुन बी व काफिरुन बी, मेरे बंदे में बाज लोग मेरे मोमिन बन गए, बाज लोग काफिर हो गए. जिसने कहा कि मुतिरना बिफजलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से बारिश हुई, वो मेरे बंदे मोमिन बंदे हैं. और जिसने ये कहा फला तारे के आने से बारिश हुई, फला तारे के आने से बारिश हुई, नऊज़ु बिल्लाह, कहा अल्लाह ताला ने फरमाया हदीस कुदसी में कि ये बंदे पर मोमिन है और मेरा काफिर है. बंदे पर ईमान लाने वाला है, मुझ पर कुफर करने वाला है. तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो देखने में मालूम नहीं होती. ये धागा लगाना, ये तावीज पहनना, ये जादूगरों के पास जाना, गैब की चीजों के बारे में मालूमात के लिए जाकर जो है काहिनों के पास जाना, ये सारी चीजें शिर्किया अमाल हैं मेरे भाइयों. इनसे तौबा करना चाहिए और ये मौजू बार बार हमें बताना चाहिए, हमें सीखना चाहिए. अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनकी जो किताब है किताब तौहीद, उस किताब को बार बार अपने शागिर्दों को पढ़ाते थे. बार बार उनके शागिर्दों ने कहा कि शेख कोई दूसरी किताब पढ़ेंगे और भी, तो शेख ने कहा कि हम इनको आजमाते हैं हमारे शागिर्दों को. कहा देखो फलां जगह जो है एक शख्स ने एक ऐसी किस्म की बदमाशी की, बदकारी की, ऐसा बुरा काम किया कि नऊज़ु बिल्लाह उसने अपनी माँ के साथ गलत काम किया. कहा नऊज़ु बिल्लाह कौन? शागिर्दों ने कहा चलेंगे हम जाएंगे जाकर उसको रोकेंगे. गुस्से में हो गए, बहुत नाराज हो गए. फिर उसके बाद कहा एक दिन कि फलां जगह कुछ लोग कब्र परस्ती में मुबतला हैं, झाड़ और दरख्त वगैरह रख के उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं. तो शागिर्द लोग खामोश रहे, कुछ नहीं कहा. अच्छा उन्होंने कहा शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने, अच्छा बताओ मैंने तुम लोगों के सामने दो वाकया जिक्र किए. पहले वाकया पर तुम लोग गम और गुस्से का तुमने इजहार किया और दूसरे वाकये पर तुम लोग खामोश हो गए, जबकि दूसरा वाकया ऐसा है कि सारे नेकियों को बर्बाद कर देता है और इंसान अगर शिर्क करता है तो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, जबकि वो बदकारी करने वाला, गुनाहों का काम करने वाला, अगर उसके पास ईमान है, तौहीद है, तो जन्नत में किसी ना किसी दिन जरूर जाएगा, अगरचे वो उसके बुरे अमल की वजह से दोजख में जाए. कहा कि हां सही बात कह रहे हैं. अब उनको समझ में आया कि तौहीद की अहमियत क्या है. तौहीद की अहमियत, कुछ लोग क्या बोलते हैं, क्या जी ये टॉपिक क्या बार बार बोलते रहना, क्या ये नहीं रहे तो जन्नत नहीं. याद रखो ये नहीं तो जन्नत ही नहीं. तौहीद और अल्लाह की अजमत अपने दिल में नहीं बिठा है तो जन्नत ही नहीं.